ग्वालियर के बिरला नगर क्षेत्र में शादी समारोह में होने जा रही महिला से दो बाइक सवारों द्वारा मंगलसूत्र लूटने का मामला सामने आया है। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में लगातार पुलिस को चुनौती देते लुटेरे अब बेखौफ होकर लूट करने में लगे हैं। दरअसल प्रसाद नगर निवासी बेबी और बेटे के साथ बिरला नगर पुल के रास्ते से होकर टाटीपुर में शादी समारोह में जा रही बेबी नामक महिला को दो बाइक सवारों ने निशाना बनाकर उसके गले से मंगलसूत्र लूट कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची और पीड़िता से वारदात के विषय में पूछताछ कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं महिला की भी बाइक लुटेरों द्वारा मंगलसूत्र खींचे जाने के कारण गिरने से घायल हो गई है। सर, मैं अपने घर से निकला था तो अपने 9 नंबर लाइन साइड से कुछ लड़के, दो लड़के थे, यामा F-Z गाड़ी थी, तो हमारे मतलब साथ में आते रहे, पीछे आगे पीछे करते रहे गाड़ी, और फ़ोन पे बात करते हुए जा रहे थे, तो हमने इतना गौर नहीं किया। 4 सेकंड आगे से तो वहाँ से बिरला नगर पुल पे आते ही उन्होंने मम्मी के, मैं बैठ गाड़ी चला रहा था, मम्मी के गले से उन्होंने मंगलसूत्र और चैन छीन ली उन्होंने। क्या नाम है मम्मी का? मम्मी का नाम बेबी बाथम। क्या करती है? गृहिणी है, क्योंकि मम्मी गिर गई थी, फिर हम लोगों को उठाया, थोड़ा पीछे भी गए, लेकिन जब तक नहीं जा पाए, एक भैया थे वो भी पीछे गए, जहाँ तक तो निकल गए थे। अब तक वो बेबी बाथम है प्रसाद नगर ग्वालियर की, हजीरा की। तो आज वो अपने लड़के के, रोहित लड़का का नाम है रोहित, रोहित के साथ में एक अपने निमंत्रण में शादी में चौहान पे जा रही थी करीब 8:30 बजे रात को। और जब ये वहाँ से चली है तो 4 शहर के नाके पर कोई 9 नंबर पुलिया है, तो वहाँ से कोई दो लड़के, एब्जेक्ट गाड़ी है, कौन सी नई है कोई गाड़ी जो यामा कंपनी में है, तो हरे रंग की, उस गाड़ी से दो लड़के चले हैं। वो पीछे साथ में हुए, मोबाइल से बात करते हुए, और इसके आगे पीछे होते रहे। और जैसे ही वो महिला यहाँ पर आई है अपने लड़के के साथ बिरला पुल के बीच में, तो एक लड़के जो पीछे वाला था उसने उसका मंगलसूत्र खींच लिया, जो करीब 5 आने भर का है, ऐसा उसके द्वारा बताया गया। प्रकरण कायम कर लिया है। लड़के नई उम्र के हैं, 20-25 साल के बताए हैं, और उनकी हुलिया भी बताई है। तो मिले इनपुट के आधार पर हम जल्दी ही उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर कोई ऐसे वीडियो फुटेज CCTV नहीं है, और आगे अगर वो आए हैं गोले के मंदिर तरफ को, तो जो भी होंगे हम उनको